Namaskar my all dear aspirants for CUET 2022 I am Shikha your mentor to help you in the completion of syllabus for the subject English we have completed almost all the grammatical part vocabulary we have completed uh, with the practice of antonym this video series i have brought for you some synonyms why because synonyms are rather uh, harder

डी नोन ठीक है आपने पढ़े हैं सुने है, कहीं यहां पर हम उन वर्ड्स परियरली वट एवर द वर्ड आई एम अंडरलाइनिंग और सर्कल उस पर हम ज्यादा इंफोसिस करेंगे वो आप ध्यान से देखेंगे ठीक है तो जस्ट सेट योर माइंड बी प्रिपेयर दैट यू हैव टू लर्न और कंप्लीट दिनोनिम्स ऑफ दिस वीडियो इन दिस स्टार्ट करते हैं लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स Uh, सबसे पहले देखते हैं कम एडवांस अप्रोच अराइव डियर रीच दीज ऑल आर वेल नो नो नीड टू मार्क एनी डिफरेंट वन कोई और डिफरेंट करने की जरूरत नहीं है आगे चलते हैं कम गो डिपार्ट फेड मूव प्रोसीड फेड धीरे धीरे कम होना उसको भी हम क्या बोलते हैं गो रिसीड रिसीड अगेन धीरे 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 गायब हो जाना आंखों से ओझल हो जाना सो हियर रिसीड एंड फेड टू है जो हम जिसपे हमको ध्यान रखना है बाकी हमारे वेल well नोन है प्रोसीड मूव ट्रेवल डिपार्ट एंड गो का मतलब डिसअपियर भी होता है ठीक है गो का मतलब क्या हुआ वो चला गया आपको दिख नहीं रहा तो डिसअपियर इज ऑल्सो मीनस दैट नाउ नेक्स्ट इज रन डैश डैश लिखते हैं एस्केप अलो फ्लीस्टन हरी रेस रैश स्पीड एंड स्प्रिंट इसमें एक आपका अलो अलो टू विद समवन किसी के साथ भाग जाना फ्ली इसका मतलब भी भाग जाना होता है कन्वर्सेशन में बहुत कम यूज होता है ज्यादातर रन अवे यूज करते हैं बट फ्ली इज अ गुड वर्ड टू बी यूज ठीक है हेस्टन मतलब बहुत जल्दी करना ठीक है रन का मतलब भी जल्दी करना हेस्टन इज कॉल जल्दी करना अभी हेस्टन क्विक में भी आता है ठीक है क्विक या स्पीड में भी आता है अगर वहां पे ऑप्शन में रन के साथ हेस्टन दिया यू विल चूज दैट इफ एनी अदर

the race hasten urge accelerate and bussan ठीक है यहाँ पे हम ये एक accelerate आपको कार से थोड़ा रिलेट कर लोगे कि कार से स्पीड बढ़ाना या जाना जल्दी करना तो उससे हमें याद हो जाएगा एक तो बसल यहाँ पे देखना है अर्ज इज कॉल्ड डिमांड करना प्रे करना या हरी करना ठीक है मतलब ये हरी में भी आता है अर्ज तो इसको ध्यान देने की जरूरत है नेक्स्ट देखो हाइट हाइट कंसील हमको पता है कवर मास्क क्लॉक अच्छा क्लॉक क्या होता है आप लोगों ने देखा है ना द पर्सन इन द एडवेंचरस और हॉरर मूवी जो मिस्टीरियस मूवीज होती हैं उसमें अ पर्सन अ जस्ट वेयरिंग अ गाउन ना वो पूरा कवर हो जाता है हुड से तो उसको बोलते हैं क्लॉक ठीक है रेड राइडिंग हुड में वो छोटी सी बच्ची की जो कहानी है उसमें पहनती है ना वो क्लॉक रेड कलर का दैट इज कॉल्ड क्लॉक उसका मतलब भी क्या है हाइड यू आर हाइडिंग योर फेस आपको दिखाई नहीं देता है द फेस इज नॉट विजिबल नथिंग इज विजिबल कैमोफ्लेज कैमोफ्लेज भी हमारा है इसके लिए हाइड के लिए आता है कैमोफ्लेज इज अ काइंड ऑफ प्रिंट जो हमारे सोल्जर्स पहनते हैं दैट इज रिजाम्बल टू द फॉरेस्ट ग्रीनरी उससे एग्जाम्पल होता है ना वाई बिकॉज और इफ द सोल्जर्स आर इन दैट यूनिफॉर्म इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट वेयर दे आर वेयर आर दे हाइडिंग तो एनिमी से बचने के लिए सो तो कैमोफ्लेज में हमारे ये आपने देखा ट्रॉली के कवर्स भी आते हैं तो जो मोटा सा कपड़ा होता है ना जिसपे फॉरेस्ट का प्रिंट uh, होता है uh, फूल पत्तियों का तो कैमोफ्लेज का मतलब होता है हाइट इट इज गिवन कैमोफ्लेज क्योंकि वो बचने के लिए ये सोल्जर्स से ही लिया गया है आर्मी से ही लिया गया है उनका जो वियरिंग uh, uh, होता है वो इस तरह का होता है सो दैट दे आर नॉट बी इजीली डिटेक्टेड बाय द एनिमी राइट स्क्रीन एंड श्राउड एंड वेल ठीक है श्राउड का मतलब कफन uh, होता है जो uh, अलग से होता है व्हाइट कलर का जो होता है उसको श्राउड बोलते हैं फैब्रिक नहीं बोलते हैं वेल इज कॉल्ड घूंघट जो तो आपका घूंघट होता है ठीक है? इट इज वेल नोन ऑल द अगर आपको नहीं पता है फिर भी मैंने कर दिया है. है? ठीक वेरी फर्स्ट इट इज गो क्रीप क्रीप का मतलब जो क्रीपर होती है बेल होती है धीरे धीरे ऊपर जाना दैट इज कॉल्ड क्रीप क्राउल क्राउल इज कॉल्ड रेंगना ड्रैगिंग करना इंच पोक ड्रैग ठीक है क्राउल ये लगा दिया मैंने देन टोटल मूव इज कॉल्ड टोटल शफल ट्रॉट ट्रॉट धीरे धीरे चलना ठीक है मतलब थोड़ा सा धीरे धीरे चलना दैट इज चलनाजल वॉक ट्रैप्स ठीक है ट्रप्स ये हमारा नया वर्ड आता है मोसी वोसी मूव मॉसी एम एम इससे रिलेट करना नेक्स्ट जॉग यस जॉक देन स्लम्प एंड लब इसमें काफी सारे वर्ड हैं जो आपको पता है लेकिन आप उन्हें रिलेट नहीं कर पाओगे मूव से ठीक है तो इसमें जो भी मैं वर्ड कर रही हूं आप उन पर थोड़ा सा ध्यान देना ज्यादातर आप देखो हर वर्ड में यू का यूज हो रहा है जो हमारा एक वॉल साउंड यू वो आ रहा है इससे थोड़ा सा ध्यान रख लेना लंबा ट्रेल ट्रेल पीछे पीछे चलना मूव करना लैक रन स्प्रिंट देखो हमारा स्प्रिंट इसमें भी था हाइट नो 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 रन में था हमारा स्प्रिंट देखो ये रन में स्प्रिंट है और मूव में भी स्प्रिंट है क्योंकि रन में भी मूवमेंट होता है मूव में भी मूवमेंट होता है तो यहां पे ये ध्यान रखेंगे ट्रिप बाउंड फुट दिस इज न्यू वर्ड हॉट फुट हाई टेल स्ट्रीक स्ट्राइड ब्रीज विस्क टीयर रश डैश डार्ट बोल्ट फ्लिंग स्कैंपर डाट का मतलब बहुत तेजी से मूव करना अच्छा यहां पे जो मूव है इसमें इंटेंसिटी नहीं दी गई है ये ध्यान रखेंगे कुछ मूव है जैसे ट्रॉट है ट्रॉट का मतलब थोड़ा धीरे धीरे चलना बट डाट का मतलब है बहुत तेजी से आना अंदर की तरफ आना ठीक है तो ये दोनों चीजें मूव में आएंगी यहां पे इंटेंसिटी नहीं कि थोड़ा मूव करना या ज्यादा मूव करना इसमें ध्यान रखेंगे सारे वर्ड्स इसमें आएंगे बोल्थ फ्लैंग स्कैम्पर स्कारी स्कारी स्कैडल बहुत सारे नए वर्ड्स हैं इसमें स्कूट स्कटल स्कटल स्क्राम्बल स्क्रैम्बल में स्क्रैम्बल दिस इज कॉल्ड स्क्राम्बलिंग ये होती है स्क्रैम्बल और स्क्रिबलिंग भी बोलते हैं क्या कर रहे हैं आप मूव कर रहे हैं मूव का मतलब कोई भी चीज जो मूवमेंट कर रही है इंक्लूड होगी नेक्स्ट इज रेस चेज है गेलॉप इज ऑल्सो यूज फॉर वेन दॉर्स इज मूविंग देन लोप लोप भी ध्यान रखेंगे एक्सेलरेट ये स्पीड से रन से रिलेटेड था इसमें भी आया है स्टेर हिलाना मूव करना बज एंड ट्रेवल बज को भी हम कर देते हैं देखो हर तरह का movement आ रहा है, स्लोपी मूवमेंट ऊपर जाने वाला नीचे जाने वाला हिलने वाला स्विंग वाला ईच एंड एवरी थिंग विल कम इन मूवमेंट मूवमेंट एक वर्ड है लेकिन ये बहुत सारी चीजों को कवर कर रहा है तो कहीं से भी आ सकते हैं इसमें स्लिप ग्लाइड स्लाइड स्लिथर

एंड या yeah, ये जितने भी मैंने लगाए हैं इसमें अच्छा एक चीज और देखो थोड़ा सा मतलब फुल ट्रिक भी लगा लेते हैं जैसे बहुत सारे वर्ड में आप देखो ओ और यू का यूज हो रहा है इसमें कौन सा साउंड आ रहा है ज्यादातर ओ साउंड मूव में भी हमारा ओ बॉबल साउंड है ओ और यू का यूज हुआ है या ज्यादातर वर्ड्स में डबल बी या डबल डी का साउंड आ रहा है जो इसके राइमिंग वर्ड्स हैं जो इसका सफिक्स है बाद में डल आ रहा है डल 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 से बहुत सारे वर्ड हैं तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो सी आई हैव अंडर वर्ड यू आर अवेर अबाउट आप उसको भी ध्यान रख सकते हो ठीक है इस तरह के पोर्शन से ज्यादा आते हैं क्योंकि इसमें

अकॉम्प्लिश या कंप्लीट यहाँ पे कंप्लीट नहीं है बट कंप्लीट भी आया डू का मतलब आई हैव डन मींस आई हैव कंप्लीटेड तो कंप्लीट भी आ जाएगा यहाँ पे जो नहीं हो अगर आपको लगता है कि ये ये भी हो सकते हैं तो डोंट हेजिटेट आप इंक्लूड कर सकते हो हैव हैव में आता है हमारा होल्ड पजेस ओन कंटेन एक्वायर गेन मेंटेन बिलीव बियर बिगैट बिगैट ऑक्यूपाई एब्जॉर्व फिल एंड एंजॉय देखो एब्जॉर्व का मतलब भी हैव

फैच ब्रिंग मतलब, okay, तो में भी आता फैच का मतलब फैच अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी ओके तो ये गेन में भी आया गेन अ वाटर मतलब मुझे चाहिए तो ये भी आता है फाइंड स्कोर अक्यूमलेट दैन वेन गैट इज कॉल्ड अक्यूमलेट अक्यूमोलेट जो ऐसे बहुत सारे जो वर्ड हैं जो वी कैन से ना दो तो बहुत सारे फोर या फाइव सिलेबल के वर्ड्स होते हैं उनमें कंफ्यूजन हो जाता है तो यहाँ पे एक ही वर्ड है अक्यूमलेट अक्यूमलेट का मतलब गैदर करना इकट्ठा करना वेन अन रेप रैप दिस इज वेरी स्मॉल बट नहीं सुना होगा रिलेट मेरे लिए भी नया वर्ड है रैप आरई पी रैप इज कॉल जी ईटी गैट थोड़ा सा ऐसा लगा दो थ्री थ्री लेटर्स का दोनों का वर्ड है कैच नैट बैग डिराइव कलेक्ट गैदर ग्लीन दिस इज न्यू वर्ड ग्लीन गैट ग्लीन गैट पिकअप एक्सेप्ट कम बाय रिगेन एंड सैलवेज ठीक है आई होप दीज ऑल आर वेल नोन टू यू एक बार हम ये बारे डिस्क्राइब uh, कर लेते हैं फिर से uh, प्रोकर patch accumulate wrap glean and salvage ठीक है याद रखेंगे नेक्स्ट देखते हैं कीप होल्ड रिटेन विदहोल्ड प्रिजर्व मेंटेन सस्टेन एंड सपोर्ट देखो कीप और यूज में बहुत सारे हैं जो सेम हैं वो हम याद रखेंगे यूटिलाइज कीप का मतलब भी यही होता है रखना तो इसमें काफी सारे वर्ड्स का यूज हुआ है जो रिपीट हुए हैं पुट <coughs> Place, Set, Attach, Establish, Assign, Keep, Save, Set, Aside, Effect, Achieve, Do, and Belt. All are well known. Next dekhte hai. take. Hold, Catch, Seize. Take. Take is called Seize. Take this thing. Means I have given you Seize. Grasp. Grasp ka matlab. I am grasping the lesson. Matlab kya hua? I am taking, I am just feeding or infusing in my mind. Win, Capture, Acquire, Pick, Choose, Select, Prefer, Remove, a Steal, Lift, Rob, Engage. बिविच किया एक नया वर्ड आपका बिविच देन परचेज टेक का मतलब परचेज यस बाय रिट्रैक्ट ये नया वर्ड आया आपका रिट्रैक्ट रिकॉल देखो यहां है फूड में वेन वी आर कंज्यूमिंग एनी इंफॉर्मेशन तो ये सारा सेंस किसका दे रहे हैं लेने का आप ले रहे हो खाना ले रहे हो कोई चीज इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो ये यहां पर एग्जेक्ट वर्ड नहीं आता है Synonym का मतलब ही यही होता है कि सिमिलर है किसमें सेंस में, sense में. सिमिलर किस में होता है सेंस में लेकिन उनका यूज अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्ड से किया जाता है ठीक है तो यहाँ पे हमको सेंस ध्यान रखना है वर्ड रिलेट करोगे बहुत कितने वर्ड आप रिलेट करोगे बहुत सारे वर्ड होते हैं तो आपको सेंस देखना है वट द सेंस इज कमिंग हियर नेक्स्ट देखो मेक क्रिएट ओरिजिनेट इन्वेंट बिगेट बिगेट हमारा हाल पीछे भी आया था फॉर्म कंस्ट्रक्ट डिजाइन फैब्रिकेट ओके मेक से याद रखो फैब्रिकेट यानी फैब्रिक बनाना मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस बिल्ड डिवेलप डू इफेक्ट इफेक्ट मेक का मतलब इफेक्ट भी आता है मीन्स मेकिंग समथिंग और गिविंग इफेक्ट ठीक है गिविंग इफेक्ट और मेकिंग सेम सेंस दे रहा है

Shatter for the glass, smash for the building or the uh, we can make the mountain of the cart, वो rack. Rack का वो रैक रैक का मतलब वो भी तहसना है ship wrecked, ठीक है उसका मतलब भी ब्रेक देन क्रैश डिमोलिश एंड ऑटोमाइज ठीक है ये रैप्चर रैक ऑटोमाइज ये तीन वर्ड हैं जो नए हैं डिस्ट्रॉय अभी देखो ब्रेक और डिस्ट्रॉय सेंस सेम आ रहा है दोनों का बट ब्रेक में क्या है That कैन बी माइनर स बड़ा कुछ टूटा है उसका सेंस दे रहा है रियून डिमोलिश रेज वेस्ट किल स्ले एंड एंड एक्सटिंग स्ले स्ले का मतलब भी होता है मीन जस्ट स्लेइंग विद सोट uh, तलवार से मारना स्लेट तो मतलब डिस्ट्रॉय करना इस, यहां पे जो डिस्ट्रॉय में इसमें किल का सेंस आ रहा है जहां पे ज्यादा डिस्ट्रिक्शन हो रहा है ब्रेक में टूटने का सेंस आ रहा है वो याद रखेंगे रेस का मतलब होता है गुस्सा ठीक है रेज बहुत तेज रेज्ड एंगर रेज स्टोन उसमें आ रहा है ये कट गैश स्लैश स्लैश हमको पता है प्रिक निक सीवियर प्रिक नेक सीवियर स्लाइस, क्रेप ये आया हमारा कार्व देन क्लीव एपल के लिए आता है जस्ट क्लीवस ऑफ द स्लिट चॉप क्रॉप लॉप एंड रिड्यूस ठीक है रिड्यूस कट करोगे तो रिड्यूस हो जाएगा कम हो जाएगा देखो सेंस आया कोई दोनों वर्ड बिल्कुल अलग है लेकिन सेंस सेम है कट का मतलब अलग करना यानी कि थोड़ा करना ठीक है ये इसका नेगेटिविटी में सेंस आ रहा है ना इनफेरियरिटी में वही सेंस रिड्यूस में आ रहा है सो so, कट में गैश नेक कार्व क्लीव एंड लो इसमेंट में याद रखना काफी वर्ड है ठीक है सी से काफी एंड टम्बल ठीक है, है. Next, fall, drop, descend, है plunge, tumble, ये दोनों ये सारे हमारे फॉल में आएंगे मूव में सारे वर्ड आए थे क्योंकि इसमें मूवमेंट हो रहा है फॉल में भी थे प्लंच टॉपल एंड टम्बल नेक्स्ट देखते हैं फ्लाय सार होवर होवर

ठीक है सेल एंड क्रूज दोनों शिप से रिलेटेड है मूवमेंट से रिलेटेड है फ्लाई में भी मूवमेंट है कट में भी मूवमेंट है तो इसमें मूवमेंट uh, में जो हमारा मूव वर्ड था उसमें हमने सारे जितने भी मूवमेंट के वर्ड थे वो हमने इंक्लूड किए थे यहाँ पे फ्लाई देखो फ्लाई के जो लेस नोन वर्ड्स हैं फ्लिट फ्ली वॉफ्ट स्किम एंड क्रूज एक थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि ये चीज आप थोड़ा सा कनेक्ट करके रखना कि कौन से वर्ड्स की जो एंट्रो से हैं वो Uh, कम सिलेबल के हैं लेस सिलेबल वन या टू सिलेबल के हैं जो वर्ड बड़े हैं तो हो सकता है उनके जो सिनोनिम्स होते हैं वो ज्यादा फोर सिलेबल के ही उनके सिनोनिम्स होंगे तो ये चीज भी आपको हेल्प करेगी एग्जाम में डिसाइड सेटल चूज एंड रिजोल्व वेल नोन ऑल आर हेल्प एड अस सपोर्ट एनकरेज बैक 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 आया हमारा हेल्प हेल्प और बैक बैक मतलब बैक जैसे बैक प्लान आपका होता है बैक सीट तो एक तरह से ये हेल्पिंग और सपोर्टिंग में सेंस दे रहे हैं वेट ऑन ठीक है वेट ऑन अटैंड सर्व रिलीव सको ये हमारा आया रिलीव रिलीव का मतलब भी क्या हुआ रिलीविंग आई एम रिलीविंग यू फ्रॉम योर ड्यूटी मीन्स आई एम हेल्पिंग यू टू लेसन योर इंपोर्टेंट राइट सेंस आ रहा है सेम बेनिफिट बी फ्रेंड एंड अ बेट ठीक हैल्प में हम याद रखेंगे बैक रिलीव सक एंड अबेट ठीक है यह हमारे न्यू नोन वर्ड है मार्क टैग प्राइस टिक इम्रेस मार्क व्हाट्स योर इम्प्रेशन व्हाट्स योर मार्क इफेक्ट ट्रेस ट्रेस का मतलब भी होता है, निशान साइन मार्क देन इम्प्रिंट स्टैम्प ब्रांड ब्रांड मार्क किस चीज का ठीक है यह भी वेल नोन है साइन नोट हीट हीट इज कॉल्ड मार्क हीट का मतलब होता है थोड़ा सा मीन्स पेंग हीट अटेंशन अटेंशन या मार्किंग मार्किंग का मतलब क्या हुआ आप किसी चीज को पॉइंट आउट कर रहे हो किसी चीज को इंपॉर्टेंट बना रहे हो तो अटेंशन भी वही हुआ ना किसी एक चीज पे अटेंशन करना सैंस सेम आ रहा है नोटिस एंड डेजिग्नेट नेक्स्ट देखते हैं प्लान प्लॉट स्कीम डिजाइन ड्रॉ मैप डायग्राम प्रोसीजर अरेंजमेंट इंटेंशन प्लान का मतलब आपका क्या प्लान है आपकी क्या इंटेंशन है डिवाइस देन

ट कमेंट्स इनागोरेट एंड ओरिजिनेट वैसे ये अब काफी यूज होता है कमेंट्स हमारा राइटिंग में भी यूज होता है आप लोग ट्वेल्थ क्लास पास कर चुके हो कमेंट्स मोस्ट ऑफ काफी बार आप लोगों ने सुना होगा एंड स्टॉप फिनिश टर्मिनेट कॉन्क्लूड क्लोज हॉल्ट हॉल्ट जब किसी पे चीज पे रुक जाना यानी एंड हो जाना स्टॉप पे भी ये आएगा ठीक है देन दैन सीशन ये याद रखेंगे देन डिसकंटिन्यूएंस सीज हॉल्ट स्टे पॉज डिसकंटिन्यू कॉन्क्लूड फिनिश एंड क्वेट ठीक है सीजेशन सीज से रिलेटेड आ रहा है एसई एसई -E -E, तो सीज को हमने आगे बना दिया है सीजेशन यानी कि एंड नेक्स्ट देखते हैं हम बिग लार्ज एनॉर्मस ह्यूज इमेंस गेग्नेटिक वॉस्ट कोलोसल ये आपके तभी तो बोलते हैं ना पैसेज में जो भी वर्ड आ रहे हैं नए या राइटिंग में आपके जो आ रहे हैं उसमें ट्राई टू नोट डाउन दैट आपको ये ये वोकेबलरी ऐसे ही प्रिपेयर होती है वोकेबलरी को अलग से लर्न नहीं करना पड़ता है वोकेबलरी इज जस्ट प्रिपेयरिंग एज साइमटेनियसली यू आर प्रोग्रेसिंग टू योर क्लासेस पूरा जो आपने पढ़ा हुआ है उसमें आपकी वोकेबलरी इतनी स्ट्रेंथन हो जानी चाहिए अभी तक नाव गर्गानटॉन ये अभी देखो जी से गिग्नेटिक एंड गार्नेटॉन ये दोनों बिग से रिलेटेड हैं इसमें भी जी आ रहा है याद रखेंगे सीजेबल ग्रैंड ग्रेट जी से काफी सारे हैं ठीक है तो ये याद रखेंगे आपको हेल्प करेगा देन सब्सटेंशियल मेमोथ मेमोथ भी आता है मेमोथ एलिफेंट बहुत बड़े विशाल का है देन एस्ट्रॉनोमिकल एस्ट्रोनॉमिकल दैन एम्पल ब्रॉड एक्सपेंशन स्पेशियस स्टाउट स्टाउट बॉडी के लिए आता है फ्लैशी बिग बॉडी बिग बॉडी नहीं वो स्टाउटी बॉडी स्टाउटी पर्सन ट्रेन टाइटनिक एंड जहाज था डिम से याद रखो डिम का मतलब बहुत कम लिटिल का मतलब बहुत कम श्रिम्प गुड वर्ड ठीक है Exiguous, dinky, cramped, dinky, then cramped, then limited, uh, then itsy bitsy. Well, it's good pronunciation itsy bitsy, then microscopic, slight, then pitite. Tight and देखो छोटा सा वर्ड है लिटिल और उसके सिनोनिम देखो कितने में देखो वर्ड है कितने अच्छे अच्छे गुड प्रोनंसिएशन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं लिटिल डिमिन्यूटिव श्रिम्प ठीक है इसमें आप थोड़ा सा निमोनिक लगाने की कोशिश करो आ, कुछ ट्रिक लगाने की श्रिम्प देखो इसमें भी श्रिम्प है श्रिम्प थोड़ा लिटिल से आ, एक वो कर रहा है इसमें दोनों में वो सेम वॉल साउंड आ रहा है नाउ रंट लिटिल रंट रंट वन सिलेबल का वर्ड है देन रंट मतलब चले जाना खत्म हो जाना यानी कि थोड़ा सा बच जाना पुनी पुनी एक छोटा सा वर्ड है आपको याद रहेगा या देन एक्सटिंग मतलब बुझा देना एग्जीक्यूश कॉल कम कर देना देन डिंकी लिटिल डिंकी इसमें भी देखो आई वर्ड आ रहा है आपका आई सिलेबल आ रहा है देन देन इट्सी बिट्सी दोनों में आय का यूज हो रहा है इट्सी मीन दो का यूज हो रहा है कॉन्सोनेट टी भी आ रहा है इसमें देन माइक्रोस्कोपिक स्लाइट एंड पिटाइट पिटाइट अच्छा वर्ड है ठीक है ये भी याद रखेंगे आई और टी का यूज हो रहा है न्यू फ्रेश यूनिक ओरिजिनल अनयूजल नोवल ठीक है नॉवल न्यू नॉवल मॉडर्न करेंट एंड रिसेंट ओल्ड का देखते हैं फीबल फीवल का मतलब कमजोर बहुत सेंस आ रहा है सेंस फीबल इज कॉल वीक और ओल्ड का मतलब घिस जाना हमारे वर्ड आ चुके हैं रैक्ट ये भी आ चुका है हमारे सारे लिटरेचर में जितनी भी हमने वोकैबरी पढ़ी थीयर फेडेड ब्रोकन डाउन ओल्ड फैशन आउट मॉडर्ड आउट मॉडर्ड इज ऑल्सो द ओल्ड फैशन ये याद रख सकते हैं ठीक है ये याद रखेंगे इस तरह के वर्ड देते हैं जो आपने कभी नहीं ऐसा लगता है स्पेलिंग गलत लिख दी है नो स्पेलिंग गलत नहीं लिखी है आपको वोकैबुलरी नहीं आती है पेस देन मैच्योर वेनरेबल वेनरेबल इज ऑल्सो गिविंग सेंस ऑफ ओल्ड प्रिमिटिव ट्रेडिशनल आर कन्वेंशनल कस्टमरी स्टेल मस्टी मस्टी देन ऑब्जोलेट एब्सोलेट एंड एक्सटिंक ठीक है ये जितने भी वर्ड है ओल्ड आपका फीबेल फीबेल इज वेल नोन वर्ड आता है बॉन्ड भी हमारा आ चुका है बॉम देवी दिस इज ऑल्सो वेल नोन वर्ड ओल्ड में आप याद रखो आउट मोडेड दैन पैस ये ये अच्छा वर्ड है पेस इसको याद रखना वेटरन वेनरेबल मस्टी एंड एक्सटिंक्ट एक्सटिंकट का मतलब भी जो गायब हो गया है जो खत्म हो गया है यानी ओल्ड हो गया ना न्यू नहीं है तो एक्सटिंट उसमें भी आएगा फॉल्स रॉन्ग फेक दैन फ्रॉडुलेंट फ्रॉड से आ रहा है इसमें सेंस फ्रॉड में फॉल्स का सेंस आ रहा है देन काउंटर फेट भी हमारा आ चुका है आपके लिटरेचर के चैप्टर में आ चुका है स्प्यूरियस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली क्लास ट्वेल्व आप जब से पढ़ाई कर रहे हो लिटरेचर में बहुत सारी वोकैबलरीज इसमें वेल नोन आ चुकी है स्प्यूरियस आपको याद है या नहीं ये अलग बात है अन ट्रू अन फाउंडेड दैन एरोनियस एरोनियस इज कॉल्ड फॉल्स डिसप्टिव ग्राउंडलेस न फॉलेशियस फॉलेशियस इसमें फॉल्ट का सेंस आ रहा है ठीक है ये दिस इज ईजी टू रिमेंबर इनकरेक्ट इन एक्ूरेट मिस्टेक इन दैन एरोनियस एरोनियस ये दो बार रिपीट हो गया है चलो कोई बात नहीं याद आ जाएगा ठीक है मैं ऐसे लगा देती हूँ ऐसे भी याद रहता है कि हमने क्लास में पढ़ा था Uh, दो एरो लगाए थे मैम ने तो वो सेम वर्ड था ऐसे याद आ जाता है इमप्रॉपर अन स्विचेबल ठीक है रिवाइज करते हैं फॉल्स का फ्रोडलेंट इट इज ईजी दैन स्प्यूरियस मतलब कुछ मिला हुआ फॉल्स मतलब दैट इज नॉट क्लीन और ऑथेंटिक और ओरिजिनल देन एरोनियस एंड फॉलेशियस ठीक है नेक्स्ट देखते हैं ट्रू राइट एक्यूरेट प्रॉपर प्रिसाइस एग्जैक्ट वैलिड जैनुअन रियल एक्चुअल ट्रस्टी स्टडी स्टडी का मतलब क्या होता है बिल्कुल स्टडी होना मीन्स स्टडी फास्ट दैट इज ऑल्सो कम इन जेन्यूनर्जी लॉयल डिपेंडेबल सेंसियर स्टॉन्च ये याद रखेंगे वर्ड हम करेक्ट एक्यूरेट फैक्चर फैक्चुअल फैक्चुअल पैसेजेस आते हैं हमारे ट्रू गुड जस्ट ऑनेस्ट अपराइट लॉफुल मोरल प्रॉपर स्विटेबल एप्ट लीगल एंड फेयर ये सारे वेल नोन वर्ड हैं थ्रू में हमारा एक आया है स्टडी एंडस्टॉन्च ये भी हमारे वेल नोन न्यू वर्ड्स हैं अच्छा इस सीरीज में इतने वर्ड्स मैंने कराए हैं जो अंडरलाइन किए हैं प्लीज पे मोर अटेंशन ऑन दैट वील कंटिन्यू दिस सीरीज आई हैव मेनी ऑफ दिस नॉन एम्स फॉर यू आप इस पर ध्यान दो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू ओके सो वील मीट इन नेक्स्ट वीडियो